देखिए, तो हम लोग एक बीओक्यू का बीड पार्टिसिपेट करके देखेंगे। थोड़े अभी बदल चुके हैं पहले के अकॉर्डिंगली, जो लोग एटलीस्ट दो सेशन से पहले किए थे उनका और बीओक्यू का बीड अभी थोड़ा बदल चुका है। पहले हम लोग एक्सेल का फाइल अपलोड करते थे, अभी एक्सेल का फाइल अपलोड नहीं होता, अभी ये चीजें बदल चुकी है। थोड़ा सा चेंजेस है, ज्यादा चेंजेस नहीं है, बाकी का सेम टू सेम है बीओक्यू बीड में पार्टिसिपेट करने का तरीका। ठीक है, शायद जेम का साइट थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, फिर इसके साइट जैसे ओपन होता है मैं बीओक्यू बिड भर के आप लोगों को दिखाता हूँ। मंजित सर बोलिए। सर गुड आफ्टरनून। हेलो सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। मंजित सर, सर गुड आफ्टरनून। नहीं सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका माइक चेक करो। हेलो सादिक सर बोलिए। बीओ की बीडी देखना था, क्या चेंज आई है सर उसमें? आप कह रहे हैं कि दिखा देंगे। जेएम का साइट चल गया तो मैं बीओ की बीड का आपको भरने का पूरा प्रोसीजर बताता हूँ। थोड़े जो चेंजेस आए हैं वो चेंजेस के बारे में बता देता हूँ। थैंक यू सोनिया मैडम। हेलो सर, मुझे Q2 प्रोडक्ट के बारे में जानना था। Q2 आप बोलिए ना मैडम। मैम जैसे सर, जैसे मेरा एक प्रोडक्ट है, मेरा एक NVR है प्रोडक्ट, तो हाँ, वो क्वाड्रेंट 2 में आता है, तो मेरे पास मैम OM नहीं है। क्या बोले मैडम? मैम सर, मैं उसकी OM नहीं हूँ, मैं OM कोई और है, मैं एज अ रिटेलर उस प्रोडक्ट को बेचना चाहती हूँ। तो सर मुझे पहले उसका रिसेलर पैनल क्रिएट करना पड़ेगा? नहीं, आपको रीसेलर, हाँ आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, OEM से आपको ऑथराइजेशन नंबर लेना पड़ेगा, है ना सर? अगर मेरे को OEM से नंबर मिल गया तो मेरे पास ब्रांड रजिस्टर्ड ऑथराइजेशन नंबर रीसेलर, मतलब सर जैसे मुझे ऑथराइजेशन नंबर भी मिल गया, लेकिन वो ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है जिस ब्रांड का मुझे बेचना है TP लेने का। नहीं नहीं, पहले उस ब्रांड कंपनी को बोलना पड़ेगा कि आप एज ए OEM वो रजिस्टर्ड हो जाओ, इनकेस वो कंपनी यदि बाहर की है, इंडिया की नहीं है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, बाहर की कंपनी है, तो आप भी उसका OEM बन सकते हो एज ए डीम्ड OEM। तो फिर आप उनसे लेटर, आपके साथ यदि उस ब्रांड की अच्छी पहचान है तो आप उनसे डीम्ड OEM का एक लेटर लेना पड़ेगा, उसका फॉर्मेट ऑलरेडी आप लोगों को ग्रुप में दिया हूं, वो लेटर लेके और वो यदि मानता है तो उसके बेस पे आप उस कंपनी के बिहाफ में आपको उसका OEM मिल सकता है। तो सर वो लेटर कहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर नंबर? हाँ बोलिए सर, वो लेटर फिर कहाँ पर अपलोड करना होगा, कैसे, क्या प्रोसेस उसका? सेम OEM, OEM का जो प्रोसीजर है वैसा ही रहेगा, तो या फिर उस कंपनी को OEM बनना पड़ेगा, वो वेंडर असेसमेंट वाला प्रोसेस पूरा करना पड़ेगा। हाँ वो पूरा करना पड़ेगा, बराबर। यदि OEM बनी है या डीम्ड OEM बनेंगे तो, या फिर दूसरा कोई भी यदि OEM बनता है तो वहां से ऑथराइजेशन लेटर लेने के बाद आप वहाँ पे एज ए क्वाड्रेंट 2 में वो प्रोडक्ट को बेच पाएंगे Q2 में। जब तक वो ब्रांड जेम पे नहीं आता तब तक उस कंपनी का कोई भी प्रोडक्ट आप नहीं बेच सकते। सर क्योंकि एक बिड निकला हुआ था ना कस्टम बिड में, तो उसमें वो प्रोडक्ट मतलब अभी कस्टम बिड में चलेगा ना मेरा? कस्टम बिड में क्या प्रॉब्लम है, कस्टम बिड में यूनिवर्सल कैटेगरी में वो ब्रांड डाल के अपलोड कर दीजिए ना। कस्टम बिड नहीं है सर, वो बंच बिड है। हां बंच बिड में कस्टम बिड है या नॉर्मल प्रोडक्ट है? नॉर्मल प्रोडक्ट है। नहीं फिर आपको
जो कंपनी अभी जेम पे अवेलेबल है उसमें से किसी का ऑथराइजेशन नंबर लेना पड़ेगा। कस्टम बिड रहेगा तो चलता था, फिर आप उस ब्रांड पे रहे ब्रांड या नहीं रहे आप बेच सकते थे। सर मुझे ओएम को बोलना पड़ेगा ना फिर कि ये अपना ये जो ब्रांड है वो उस पे जैम पे रजिस्टर करो। यस यस सोनाली मैडम। नमस्ते सर। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए सर। सर एक प्रोडक्ट था एक ये लैम्प था, लैम्प प्रोजेक्टर लैम्प। Okay. तो वो जेम में तो अवेलेबल नहीं है, तो मैंने वो कस्टम कैटलॉग में डाल दिया, तो बायर कस्टम कैटलॉग में डाल दिया चला कि वो बिड नहीं कर पा रहे। नहीं समझा आपने क्या क्या वो नहीं समझा मुझे, कस्टम कैटलॉग में डाल दिया मतलब नहीं समझा मैं आपका। मैंने लॉगिन किया मेरा हाँ और फोटो वगैरह नहीं क्या वो क्या बोलते हो कहाँ पे डाला, जब जेम में वो कैटेगरी नहीं है तो आपने वो प्रोडक्ट डाला कहाँ पे। हाँ वो डालना था मुझे कैटेगरी, मतलब वो प्रोडक्ट डालना था तो मुझे वो आ रहा था कि बिड नंबर बताओ। हेलो हाँ हाँ बिड नंबर बताओ, तो मैंने बायर को फोन किया, बोला कि सर ये बिड डालना पड़ेगा आपको। हाँ, तो वो बोले कि हम बिड नहीं कर पा रहे क्योंकि वो 5 लाख के अंदर प्रोडक्ट है। बराबर, तो वो बोल रहे कि हम बिड नहीं डाल सकते और बिड नहीं है इसी वजह से मैं प्रोडक्ट भी डाल नहीं सकता। तो वो प्रोडक्ट कैसे ले सर जेम पे, उसको बोलो उसका अमाउंट एस्टीमेट वैल्यू 5 लाख कर डाल दो। वो, और उसका वो कस्टम बिड उनका एस्टीमेट वैल्यू 1.5 लाख ही है। हाँ तो उसमें 5 लाख एस्टीमेट वैल्यू दिखाने के लिए 5 लाख कर देना पड़ेगा। हाँ क्या हाँ वहाँ पे एडिट का ऑप्शन आता है, वहां से 5 लाख कर सकता है वो। एस्टीमेट वैल्यू 5 लाख कर दो और उसका बीओक्यू या कस्टम बिड बनाने के लिए लगा दो। ओके, बट वो बायर बोल रहे कि अगर 1 लाख में कोट हो या 1 लाख में कोट हो। हाँ हाँ, बट अगर वो बायर बोल रहे कि मेरे पास अप्रूवल ही 1.5 लाख का है तो मैं 5 लाख का कैसे डालूं। एस्टीमेट डाल सकते हैं ना, एस्टीमेट डालने के लिए बोल रहा हूँ, 1.5 लाख के ऊपर खरीदने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं। और यदि फिर भी उसके रूल्स के अगेंस्ट में है तो बोलो जब तक उस जेब में ये चेंजेस बदलाव नहीं आते हैं तब तक ये परचेज मत करो। वही वही तो हो रहा है, उसको कोई ऑप्शन ही नहीं है ना अभी बायर साइड से, कोई ऑप्शन नहीं है 5 लाख के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है। हाँ या फिर उसको बोलो 2-4 प्रोडक्ट का एक साथ निकालो बिल, 5 लाख होने के बाद। ओके ओके, तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है सर कि 5 लाख के अंदर के। फिलहाल तो नहीं है ना, वो बंद हो गया ना 1 महीना पहले, नया अपडेट आया कि 5 लाख से नीचे आप नहीं डाल सकते। और सर मुझे कल एक मेरे दोस्त ने बताया कि अभी अभी नया अपडेट आ रहा है 1 मार्च से कुछ, तो कि जितने में अनब्रांडेड प्रोडक्ट है वो अपलोड ही नहीं होंगे। देखेंगे, नहीं होंगे तो कुछ नया चीज हो आएगा, अभी हमको तो इसके बारे में पता नहीं है, है ना। नहीं मुझे डाउट करेंगे तो हम लोग कंप्लेंट किया है। हाँ किसी ने कंप्लेंट, मतलब ऐसा हो रहे होने वाला है 1 तारीख से कि अनब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्टेड ही नहीं होंगे, अपलोड ही नहीं होंगे। तो हम जैसे छोटे व्यापारी तो मर जाएंगे ना सर। आप भी कंप्लेंट करो ना सर, आप जैसे छोटे लोग 10-100 लोग, आप लोग भी कंप्लेन करो, जो हम लोग क्या करेंगे, है ना। क्या कर, मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि ओएम से अगर ओएम बात हो नहीं है, बात है कि रूल, यदि रूल्स आते हैं कुछ तो वो तो अपने को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली तो चलना पड़ेगा। नहीं तो आप रूल्स के अगर में जाना है तो आपको भी वहां पे जैसे बाकी लोग कंप्लेन कर रहे हैं आप भी कंप्लेन करो, है ना। नहीं हमारे पास आप है ना सर, आप कुछ तो मार्ग निकालोगे ना। हम कुछ नहीं, आप सब कुछ आगे पैसे का खेल हो जाएगा, ऑथराइजेशन नंबर खरीदना पड़ेगा, खरीदो और भेजो। हाँ ना, ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो 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 हेलो, हाँ जी अमित सर बोलिए।
सर मेरे दो क्यूरी थी अगेन कस्टम बिड के इसमें अभी काफी सारे बिड में आईटीसी और जीएसटी और आरसीएम ऑप्शन दे रहे हैं उसमें बराबर वो बिड में ऑप्शन सभी आना चालू हो चुका है तो वो कैसे अगर मैं 100 रुपए अगर इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस लगा रहा हूँ तो गवर्नमेंट के जो यानी जब कैलकुलेशन बनाएंगे तो क्या एक बिड का एग्जांपल देता हूँ एक बिड में ऐसा शो किया था कि आईटीसी ऑन जीएसटी 90% एंड उसका आईटीसी ऑन सेल्स जो था वो 10% था तो फिर ये क्या कैसे यानी वो समझ में नहीं आ रहा बिकॉज उसका प्राइस बिड जब डाला है वो ऐसा नहीं डालना चाहिए देखो कोई भी उसमें कैसा है आईटीसी वगैरह में उसमें आपका जो टीडीएस का परसेंटेज है ना वो डालना चाहिए था उसको एक्चुअली वो 1% आना चाहिए बट अभी एचएमएल एचएल वगैरह के और डिफेंस वो रूल्स जो है ना सर टेंडर में सर ऐसे कर रहा है सर मैं बोल लूं या आप कुछ बोल लीजिए रूल्स वो बायर ने गलत डाला है तो बायर गलत डालने की वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है उसको समझा नहीं आईटीसी में कभी भी वो जो दो है वो 1% आना चाहिए जनरली और जो जीएसटी का नॉर्म्स है वो नॉर्म्स जीएसटी का रहेगा आईटीसी जीएसटी का पैसा आपको देना है आईटीसी वो डिडक्ट करेगा और वो आपके पैन कार्ड पे एज ए टीडीएस के रूप में वो जमा करेगा आपको देखो लॉगिन होने के बाद डैशबोर्ड में एक टीडीएस डैशबोर्ड दिखता है देखा है क्या आप लोगों ने अभी खुल नहीं रहा है लॉगिन करके वो आगे से वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो भी डिपार्टमेंट आपका टीडीएस कटेगा वो आपको वहां पे दिखना चालू हो जाएगा ओके ओके सर सर और दूसरा एक क्वेश्चन था कि काफी सारे ऐसे भी कस्टम बिड हमने पार्टिसिपेट किए है जिसका बायर ने डिसीजन लिया है नहीं है तो इसके कारण वो एस्केलेट कहाँ करे और जेम में कहाँ पे इसका डाले कि इन बायर ने आपको यहाँ पे मिलता है ना ये जैसे आप लॉग इन करते हैं तो यहाँ पे रेज एक क्वेरी आता है ना एक ऑप्शन इंसिडेंट यस हाँ इंसिडेंट वहां से आप इंसिडेंट रेज कर सकते हो एक चीज हमेशा याद रखो आप बायर के अगेंस्ट में कोई भी सिर्फ आप लिख के दे सकते हो पर बायर के अगेंस्ट में कोई भी मतलब एक्शन नहीं ले सकता जेम को पावर नहीं एक्चुअली क्या है जब कोई हाँ कोई कंसाइनी जब कस्टम आदित्य सर हाँ सर मेरा आवाज आ रहा है आ रहा है बोलिए ये जो बिड हमने पार्टिसिपेट किया उसको जो बिड का साइकिल रहता है 60 डेज में उन्होंने डिसीजन लेना रहता है जो अगर उन्होंने ले ही नहीं रहे वहां पे यानी जो कांटेक्ट है उसमें भी बात कर रहे तो दे आर सेइंग सम डिफरेंट रीजन तो आप बोल रहे हो कि उसमें वो टिकट रेज करके काम हो जाएगा यू मीन टू से यानी एटलीस्ट जेम होगा नहीं आप सिर्फ उनको जेम को इंटीमेट कर सकते हो जेम कोई भी एक्शन नहीं ले सकता बायर के अगेंस्ट में तो फिर इसका क्या नहीं वो बायर के अकॉर्डिंगली चलता है सपोर्ट एक्चुअली में उनको अमित जी पंडित सर प्लीज एक मिनट आपका रूम आने दो फिर बोलने का नहीं नहीं मैं इन्हीं का अमित जी के बारे में ठीक है आप इनका ही बोलो इनका खत्म होने दो फिर बोलो ओके ओके ठीक है सर यानी अगर बायर ये नहीं हो रहा बिकॉज काफी सारे बिड ऐसे ही ओपन रह के डिसीजन नहीं ले पाते एंड वी आर जस्ट वेटिंग यही समझना था बट ठीक है अंडरस्टूड कोई तो कंटिन्यू कर रहे थे सर इंटीमेट कर सकते हो जेम को या फिर उनके जो भी सीनियर अथॉरिटी जो है उनको मेल कर सकते हो देखो जेम तो एक्शन नहीं ले सकता हाँ बट आप उनके और भी हायर अथॉरिटी को यदि मेल आईडी से मेल करते हो तो उनके अगेंस्ट में वो लोग एक्शन ले सकते पर जेम के पास पावर नहीं ओके ठीक है सर ठीक है बट होना चाहिए बीइंग एज अ सेलर ये होना चाहिए एस्केलेशन क्योंकि वो प्रेशर नहीं आएगा These people are just creating the bid in custom category और decision 90 days होने के बाद भी वो नहीं लेते वो वैसे ही bid पड़ा रहता है ऐसे काफी सारे मेरा और अभी आपको मैं इसका actual reason बताता हूँ वो कभी नहीं tender खुलेगा वो tender setting में था और आपने बीच में आके उनको setting को तोड़ दिया इसलिए वो tender नहीं खुलेगा उसका दूसरा tender उसने निकाल लिया होगा और वो tender ऐसे ही पड़ा रह जाएगा बाद में वो tender को cancel कर देगा नहीं एक तो तीन लोग आने वाले थे आप चौथा लोग आके उसको डिस्टर्ब किया इसलिए वो टेंडर कभी नहीं खुलेगा आगे वो भी है समझ गया ठीक है सर पंडित सर अभी आप क्या बोल रहे थे इसके अगेंस्ट नहीं सर ये तो आप बोले ठीक है बट कंसाइनी जो होता है ना बायर एक अलग सेक्शन होता है कंसाइनी अलग सेक्शन होता है कंसाइनी जो होता है मटेरियल का रिक्वायरमेंट नहीं कराता है
तो वो क्या है कभी कभी वो लेटर दे देते हैं कभी कि ये बिट को आगे प्रोसेस नहीं करना है, तो इसीलिए वो शो करते रहता है, प्रोसेस नहीं हो पाता है, फाइनली नहीं होता है, क्योंकि कुछ सामान जो है ना बेकार का भी खरीदा जाता है, तो उसके ऑफिसर जब चेक करते हैं कि इसको क्यों खरीद रहे हैं आप, तो उसका जस्टिफिकेशन जब मांगते हैं तो नहीं दे पाते हैं, जिसके चलते वो ज्यों का त्यों रह जाते हैं। चलेगा, बराबर है, ठीक है। एक्चुअली पंडित सर का बहुत हद तक ठीक है, पर यहाँ पे ज्यादातर उनकी ये नहीं चलती है, मतलब ठीक है कुछ हद तक, कुछ जगह पे ये चलने वाली है जो सर ने बोला, पर हम लोगों ने अभी जो जेम पे काम कर रहे हैं या फिर आप लोग भी जहाँ पर भी जेम पे काम कर रहे हैं, आपको 90% जो बायर होगा वही कंसाइनी है, कंसाइनी यहाँ पे अलग नहीं रहता है, जनरल केस में होता है, 10% अलग है, तो इसके वजह से। और सेकेंड थिंग सर की जो क्वेरी थी कि ऑथोरिटी का, तो देखो डिपार्टमेंट बाय डिपार्टमेंट ये डिफर करेगा, अभी यदि जो लोग पंचायत समिति या फिर जिला परिषद नगर परिषद में काम कर रहे हैं वहां पे पूरा का पूरा काम ऐसा ही रहने वाला है, वहां पे कुछ अलग नहीं होने वाला है। हाँ, बाकी के डिपार्टमेंट है जैसे MES है, डॉकयार्ड है, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर है, वहां पे कुछ पंडित सर की बातें लग सकती, तो डिपेंड अपॉन डिपार्टमेंट उनके टर्म्स एंड कंडीशन क्या है। सिंह सर बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो सर, गुड आफ्टरनून, क्या हाल है? बोलिए सर। मुझे ना बिट के बारे में जानकारी थी कि जब बिट में एक कंडीशन आती है रिजर्व इन MSC। क्या बोले सर? रिजर्व इन MSC। रिजर्व्ड इन MSC, बराबर। हाँ सर, वो तो किस लिए होगा कि अगर हम मैन्युफैक्चर खुद हैं तभी होता है ना? देखो आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ, समझो यहाँ पे दो पार्ट्स, आप लोगों ने टेंडर खोल के दिखाता हूँ पहले, फिर इसको समझाता हूँ। ये एक्चुअली जेम का साइट नहीं ओपन हो रहा है इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। राइट सर, राइट। यहाँ पे एक पुराना टेंडर मेरा डाउनलोड किया हुआ है, हमें टेंडर को ओपन कर दें। है ना सर की क्वेरी नीचे से है, यहाँ पे आ गया रिजर्व, ऊपर ऊपर रिजर्व है ना, इसमें दो पार्ट रहे, बराबर है हम लोग। यस सर, आपको हमारा स्क्रीन शेयर भी बंद करता हूँ तो आपको हमारा डैशबोर्ड दिखेगा, दिख रहा है हमारा बोर्ड? राइट सर। यस, देखो यहाँ पे दो पार्ट है, एक है MSME, इसमें आपको दो पार्ट है, एक रिजर्व और दूसरा प्रेफरेंस, है ना? यस सर, यस सर। एक रिजर्व मतलब रिजर्व्ड है, MSME एक्चुअली है जी, एक्चुअली किसके लिए है? MSME कौन निकाल सकता है टेंडर? ये रिजर्व्ड है किसके लिए? MSME रिजर्व कौन लोगों के लिए है? MSME रिजर्व हुआ मतलब सिर्फ MSME वाले ही भर सकते हैं, और MSME कौन हो सकते हैं? माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। ट्रेडर्स के लिए किसको मिलेगा लाइसेंस? ट्रेडर्स के बोले सर, प्रोडक्ट के लिए सिर्फ OEM, बराबर है? राइट सर। लोग सिर्फ MSME यदि किसी में रिजर्व बोल के रहा तो कौन इस टेंडर में पार्टिसिपेट कर पाएगा? OEMs. अभी देखो यहाँ पर भी है कि आप मैन्युफैक्चरर हो पर जेम पे रजिस्टर्ड नहीं हो, इस टेंडर में आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, पर आप OEM हो और जेम पे भी रजिस्टर्ड होना पड़ेगा तो आप यहाँ पे
टेंडर को पार्टिसिपेट कर रहा है। तो किस कंडीशन में, यदि टेंडर में एमएसएमई रिजर्व रहा, प्रीफरेंस रहा, दूसरा मतलब आपको एमएसएमई वाले को पहला प्रायोरिटी मिलेगा, इसमें परसेंटेज दिखा रहता है टेंडर, क्या लिखा रहता है, L1+20%, L1+15% ऐसा प्रायोरिटी का। तो पहला प्रायोरिटी L1 के पास यदि एमएसएमई नहीं है उसके 20% उसके रेट में एड हो जाएगा, बराबर? यस सर, क्लियर है पॉइंट? यस सर, बिल्कुल सर। दूसरा पॉइंट मेरा था कि MII होता है ना, मेक इन इंडिया, हाँ जी सर, उसमें लोकल और लोकल टू आता है। मेक इन इंडिया में दो पार्ट है ना, क्लास वन लोकल सप्लायर, क्लास टू लोकल सप्लायर, अभी जो टेंडर में रहेगा उसमें लिखा रहता है, राइट, उसको आपको मेक इन इंडिया का, यदि 50% से रॉ मटेरियल ज्यादा क्लास वन के लिए रहेगा, 50% से 20-50% क्लास टू के लिए, और 20% से नीचे नन मेक इन इंडिया। सर हमारा तो सारा मेक इन मतलब इंडिया में ही होता है प्रोडक्ट, तो वो हम लोकल वन में ही आएंगे ना, आपका उसमें रॉ मटेरियल कहाँ का है, 50% से ज्यादा इंडिया का है तो आप क्लास वन में आएंगे। हाँ, लोकल 100% इंडिया का है। हाँ, तो फिर आप क्लास वन लोकल सप्लायर, तो उसमें सर वो सर्टिफिकेट मांगता है कुछ, तो उसमें हम कौन सा सर्टिफिकेट प्रोवाइड करें उन्हें? सर्टिफिकेट आप जो OEM है, मैन्युफैक्चरर है, जो भी कंपनी का है, वहां से आपको उस प्रोडक्ट का मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। ओके सर, अगर खुद हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उस प्रोडक्ट की, तो हाँ, तो आप अपने ही लेटर हेड में डाल के दे दो लिख के। ओके सर, थैंक यू सर। राहुल सर बोलिए। आदित्य जी, तो इसका क्या, अगर तीन आदमी को ऑर्डर जाता है तो क्या वो तीन परचेज ऑर्डर बनेगा जेम का? इसके लिए जैसे आप बोले कि MSIC, MSE और MII 1-2 जो भी है, 50% एक को ऑर्डर जा रहा है, 20% एक को जा रहा है, 30% एक को जा रहा है। नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं बोला 50%। नहीं नहीं, मेरा कहना है, मेरा क्वेश्चन कि क्या वो तीन ऑर्डर बनेगा ना, तो तीन पार्टी है तो तीनों को तो अलग अलग ऑर्डर को भी जाएगा। नहीं समझे, नहीं आपकी क्वेरी ही नहीं समझ में आई मुझे सर। जैसे आप क्या चाह रहे हैं नहीं समझा सर, वो जो MSC जो कोई भी मतलब आइटम है सर, है ना, उसका 50% MSME को गया सपोज। नहीं ना, मैंने ऐसा तो नहीं बोला ना 50% MSME को जाएगा। नहीं अभी जो नहीं अभी जो बोले ना कि MSME को देना पड़ता है, से ज्यादा है तो वो मेक इन इंडिया क्लास वन लोकल सप्लायर के अंदर आता है, मैंने ऐसा बोला। यदि वो 20-50% आता है तो वो प्रोडक्ट, सिर्फ वो प्रोडक्ट बता रहा हूँ, सप्लायर नहीं बोल रहा हूँ, सप्लाई में नहीं, प्रोडक्ट। और यदि 20% से नीचे है तो वो नॉन लोकल सप्लायर है, ऐसा बता रहा हूँ। मैं सप्लायर के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। हाँ प्रोडक्ट में, तो वो ऑर्डर कॉपी तीनों के लिए बनेगा ना, कि एक ही ऑर्डर कॉपी रहेगा जेम का जो ऑर्डर बनता है? अब तीन क्यों आएगा, मैंने एक ही बोल रहा हूँ ना, मैं तीन किधर, मैं तीन के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं मेक इन इंडिया को खाली बता रहा हूँ। मैं अभी तक सप्लायर के बारे में बोला ही नहीं, टेंडर जो लोग टेंडर भर रहे हैं उनके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं उस प्रोडक्ट के बारे में, मान लीजिए पेन है, एक रेनॉल्ड कंपनी का पेन है, वो मेक इन इंडिया के किस क्लास में आएगा, मैं इसके बारे में अभी सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ। वो पेन यदि बायर को चाहिए, यदि उसमें रॉ मटेरियल 50% से ज्यादा यूज हुआ है, तो वो क्लास वन लोकल सप्लायर होगा, वो प्रोडक्ट वो किस कैटेगरी में आएगा, क्लास वन लोकल सप्लायर के कैटेगरी में आएगा। यदि उसके अंदर रॉ मटेरियल 20-50% हुआ है तो वो क्लास टू लोकल सप्लायर के अंदर आएगा, और 20% से नीचे है तो वो नॉन मेक इन इंडिया बना जाएगा। अच्छा अच्छा, नहीं कभी कभी क्या होता है ना, मैं देखा इसमें कि एमएसएमई को बोलता है कि 50% या कोई भी जो भी परसेंटेज का नहीं सकते कंफर्म, बट उसको आप ऑर्डर दीजिए 20-30% MII को, ये लोगों ने क्लास वन को दीजिए इस टाइप से। तो मेरा कहने मतलब ये है कि जो ऑर्डर कॉपी जो सप्लायर को मिलता है तो वो क्या दो कॉपी बनेगा कि एक ही में दोनों का नाम रहेगा? मेरा ऐसे कंडीशन में टेंडर कभी स्प्लिट हो रहा है ना, तो स्प्लिट के कंडीशन में दो बनेगा, जो पहला है उसको पहला बनेगा और दूसरा दूसरे को मिलेगा, बाकी का जो बचा हुआ है दूसरे को मिलेगा, फिर वो टेंडर स्प्लिट होगा। जी जी, बोलिए नेक्स्ट। और चलो जीएम का साइट खुला के एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, आपको बीओक्यू का बीड खुल गया ना। चलिए, तो बीओक्यू बीड भरते कैसे है वो मैं आप लोगों को अभी क्लियर कर देता हूँ।
लॉग इन, कोई भी एक बीओक्यू बिड लेते हैं और हम लोग भर के उसको देखते हैं। है ना बिड लिस्ट ऑफ बिड्स, पहले से जो लोग बहुत पहले क्लास किए हैं एटलीस्ट एक एक डेढ़ महीना पहले, उनके लिए ये नया चेंजेस है। बीओक्यू बिड यहीं पर पहले आता था, यहीं पर आएगा। बंच बिड यहाँ पे आएगा, पहले बीओक्यू का दोनों बिड यहाँ पे आते थे, अभी बीओक्यू का बंच बिड रहा तो यहाँ दिखेगा, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे बंच बिड। हम लोग एक बंच बिड का ही बीओक्यू का ले लेते हैं, मतलब एक से ज्यादा आइटम टेंडर में, कौन सा बीओक्यू आइटम, बीओक्यू का टेंडर सिलेक्ट कर देंगे। अभी मुझे से बीओक्यू का ही टेंडर दिखना चालू हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पे बीओक्यू का टेंडर, सभी चीजें हैं, जैसे ये मॉनिटर है, यूपीएस है 1KBA का, और यहाँ पे देखो इतने सारे आइटम है, कम से कम 5-6 आइटम है, डीवीडी है, माउस है, तो हमको ये सभी टेंडर को, टोटल 46 आइटम का टेंडर है। किसको है? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को। 25 तारीख है, 28 तारीख इसका लास्ट डेट है। ये दो दिन के लिए टेंडर सिर्फ कौन निकाल सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को मिनिमम 10 दिन निकालना पड़ेगा। तो हम इसको पार्टिसिपेट पे क्लिक करते हैं। अब इसके अंदर कितने आइटम है? 8 आइटम। अभी 8 आइटम को आपको वन बाय वन भरना पड़ेगा। अभी यहाँ पे कोई एक्सेल फाइल अपलोड करने की आपको जरूरत नहीं है, पहले का जैसा टेंडर में नहीं है, डायरेक्ट आपको जगह पे आपको यहाँ पे बनाने को मिलेगा बिड। मैक मॉडल एंड एचएसएन कोड है तो डालो, नहीं तो छोड़ सकते हो, मैंडेटरी नहीं है, मैं छोड़ रहा हूँ। मॉनिटर आप किस कंपनी का दे रहे हो, सेम हर एक प्रोडक्ट को लेना पड़ेगा। यदि इसमें ये टेंडर में लिखा रहता कि ये शेड्यूल वाला टेंडर है, यदि शेड्यूल का ऑप्शन रहता तो आप पर्टिकुलरली कोई एक पार्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते थे, पर इसमें कोई शेड्यूल नहीं है, तो मुझे यदि देना है तो हर एक प्रोडक्ट देना पड़ेगा। एसएमपीएस शेड्यूल लिख रहे थे वहां पर, कीबोर्ड माउस और डीवीडी राइटर। ऐसे 8 आइटम है, 8 आइटम का हमने डाल दिया, सेव एंड कंटिन्यू। यहाँ पे कोई बीओक्यू प्रोडक्ट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, एक्सेल फाइल अपलोड करने की जरूरत नहीं है। पहले ऐसा रेट यहीं पर डालना है, पहले हम लोग रेट एक एक्सेल फाइल अपलोड करते थे। ये बंद इसलिए हो गया क्योंकि काफी लोग बीओक्यू में सेटिंग करते थे, एक्सेल का फाइल का लॉक कर देते थे और वो फाइल अपलोड नहीं होता था और टेंडर भरने में काफी प्रॉब्लम आता था। जेम पे ये कंप्लेन गया और जेम ने ये अपडेट कर दिया, शायद जनवरी लास्ट जनवरी बीचों बीच में ये अपडेट हुआ है। तब मॉनिटर अभी 6 का आपको यहाँ पे सिंगल क्वांटिटी का रेट डालना है। मान लीजिए मुझे 5,500 में आएगा, यूपीएस 1KBA का कितना में मिलेगा? 2,000 रुपए सिंगल का। एसएमपीएस 550, क्या ये रॉ ड्रिल, चलो मैं 1,000 रुपया को डाल देता हूँ। प्रोसेसर क्या है ये? प्रोसेसर विथ मदरबोर्ड 15,000। सर ये रेट जीएसटी ऐड करके है, सब कुछ ऐड सर मैडम, इंक्लूडिंग जीएसटी, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, यदि आपको इंस्टॉलेशन वगैरह बोला है तो इंक्लूडिंग इंस्टॉलेशन, इंक्लूडिंग ट्रेनिंग बोला है तो इंक्लूडिंग ट्रेनिंग। मान लीजिए 900 रुपया, माउस 500 रुपया, डीवीडी राइटर 1500 रुपया, ये डाल दिया हम लोगों ने सब, है ना, सबका रेट डाल दिया। अब यहाँ पे डालेंगे इनक्रिप्ट एंड सेव, टोटल कितना प्राइस हो गया? 1,17,500 में मैं कोट कर रहा हूँ, इनक्रिप्ट एंड सेव। ओके, यहाँ पे सेव कर लिया हम लोगों ने, और फिर हर एक के डॉक्यूमेंट्स एटीसी। अब एटीसी में डॉक्यूमेंट्स पता है आप लोगों को क्या अपलोड करना है, कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू, यहाँ पे क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, ये आप लोगों को आई थिंक पता है, नहीं पता है तो मुझे पूछो। व्यू मेक इन इंडिया डिटेल्स, अभी ये टेंडर मेक इन इंडिया। हाँ बोलिए सर, एक बार बता दो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। कौन सा? एटीसी, एडिशनल टर्म्स ऑफ कंडीशन। एटीसी में कौन सा जाएगा? बिड को डाउनलोड करो, ये यहाँ से बिड ये डाउनलोड हो गया। एटीसी में कौन सा डॉक्यूमेंट जाएगा? नीचे एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन का पेज कहाँ पे मिलेगा? एकदम आपको नीचे मिलेगा ये वाला,
यहाँ से यहाँ तक लेटर हेड में प्रिंट करो, कंपनी का सील एंड साइन एंड अपलोड, ये हो गया एटीसी। दूसरा ऑप्शन क्या है, और एक डॉक्यूमेंट बीओक्यू, कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन। अभी आप जो जो प्रोडक्ट यहाँ पे दे रहे हो सब प्रोडक्ट का कैटलॉग पीडीएफ में बनाना है, वो सबको कंबाइन सिंगल फाइल बनाना है। जो आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हो, यूपीएस एक के भी एक का क्या दे रहे हो, उसके अंदर बाकी के स्पेसिफिकेशन क्या है, ये सबका एक पीडीएफ में कैटलॉग बनाना है और सबको मर्ज करके सिंगल पीडीएफ बना के यहाँ पे अपलोड करना है। ये आपका कंप्लायंस ऑफ बीओक्यू स्पेसिफिकेशन में चला जाएगा। अच्छा, जैसे एमआरपी डिक्लेरेशन देते वैसे ही बनाना है? वैसा ही, वैसा ही, बराबर। ठीक है सर, ठीक। अभी ये प्रोडक्ट मेक इन इंडिया के तहत, ये प्रोडक्ट कहाँ पे पता चला ये मेक इन इंडिया के तहत है, ऊपर लिखा रहता है, कहाँ गया, सबसे ऊपर लिखा रहता है ये मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना, ये मेक इन इंडिया के तहत यस बोला है तो हम ये आपको मेक इन इंडिया के तहत प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो कितना परसेंट मेक इन इंडिया, ये प्रोडक्ट में भी लिखा रहता है मिनिमम आपको 50% देना ही है, पर एक्चुअल मेक इन इंडिया कितना चाहिए, तो व्यू मेक इन इंडिया डिटेल्स, तो देखो यहाँ पे लिखा रहेगा हर एक का, इसमें नॉट एप्लीकेबल है, एसएमपीएस में भी मेक इन इंडिया नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें परसेंटेज तो होना चाहिए यहाँ पे मेक इन इंडिया का। इन इंडिया होना ही चाहिए, यहाँ पे परसेंटेज नहीं लिखा है एक्चुअली, देखते हैं फिर हम लोग, यदि नहीं लिखा है तो नो करके हम सेव कर सकते हैं, नहीं लिखा है तो नहीं, नॉन लोकल सप्लायर इज नॉट अलाउड, तो यहाँ पे मेक इन इंडिया का होना चाहिए था एक्चुअली, ये परसेंटेज नहीं आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे आपको मेक इन इंडिया का परसेंटेज दे देता था, जो कितना परसेंट मेक इन इंडिया चाहिए तो उतना परसेंटेज का आपका प्रोडक्ट होना ही चाहिए था। देखो अभी यहाँ पे आपको इस तरीके से एरर दे रहा है, हम जैसे नो कर रहे हैं वैसे मुझे एक एरर जनरेट कर रहा है, क्लास 200 करोड़ लेस देन आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो मेक इन इंडिया के वजह से कर रहा है। मैं इसका डॉक्यूमेंट से अपलोड कर देता हूं कैटलॉग का, ये हो गया कैटलॉग का फाइल अपलोड। अब इसको जैसे सेव करूंगा ये सेव नहीं होगा, ऐसा नॉन लोकल सप्लायर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट बिड लेस देन 200 करोड़, है ना, तो मुझे इसके लिए देना ही पड़ेगा इसको यस, और इसको टेंडर में जनरली लिखा हुआ है कौन सा चाहिए, मिनिमम 50%, तो आपको क्लास वन लोकल सप्लायर यहाँ चूज करना है, क्लास टू करेंगे तो भी नहीं चलेगा क्योंकि टेंडर में क्या बोल रहा है क्लास वन चाहिए, तो आपको क्लास वन में चूज करना पड़ेगा, और आपका प्रोडक्ट का जो परसेंटेज है रॉ मटेरियल का मेक इन इंडिया का वो 50% से ज्यादा होना चाहिए, और उसका वो सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा मेक इन इंडिया का, तो ही आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया तो से अभी ये बिड में पार्टिसिपेट कर पाओ, ईएमडी वगैरह नहीं है, जैसे इसको एक्सेप्ट करके वेरीफाई हुई तो ओटीपी करता हूं, टेंडर हमारा सबमिट हो जाएगा। सर सर एक मिनट, हेलो, हां बोलिए सर, मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट शो कर सकते हैं एक बार? मेक इन इंडिया का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है ना मेरे पास, फॉर्मेट दिया भी हूं आप लोगों को ग्रुप में। सर नहीं मिला मुझे, नहीं मिला, नहीं मिला नहीं, नहीं मिला, ऐसा मत बोलो, हरेक को दिया, हरेक को ग्रुप में दिया हूँ, हरेक ग्रुप में दो, एक बार नहीं तीन तीन चार चार बार देता हूँ, देखो ऐसा है ये फॉर्मेट आप लोगों ने देखा नहीं, और इसका सर्टिफिकेट का मैं कॉपी भी भेजता हूँ, इसका बना हुआ फॉर्मेट यदि चाहिए तो मैं रेडीमेड बनाया हुआ भी फॉर्मेट दिखाता हूँ, भेजता हूँ चलो ग्रुप में, रेडीमेड बनाया हुआ मुझे अभी ढूंढना पड़ेगा, तो मैं आपको उसका भरा हुआ भी फॉर्मेट भेजता हूँ, ये जो फॉर्मेट है ये हर एक ग्रुप में भेजता हूँ मैं, कितने लोगों को तो इंडिविजुअल भी दिया हूँ जिन लोगों ने मांगा है। बोलिए, और बीओक्यू में किसी को कोई डाउट्स? सर मेरा एक और इशू था, हाँ, बीओक्यू सपोर्टेड डॉक्यूमेंट जो आप बता रहे हैं सर, उसमें हम अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं? डॉक्यूमेंट्स नहीं, उसके कैटलॉग के रिगार्डिंग प्रोडक्ट, आप क्या प्रोडक्ट दे रहे हो, आप प्रोडक्ट क्या दे रहे हो? सर हम दे रहे हैं जैसे कि एक शेल्टर टाइप है, तो उसमें सर उसका तो कैटलॉग होता ही नहीं है। अरे सर उसका कैटलॉग होगा ना, कैसे, क्या किसी का कैटलॉग नहीं होगा, कोई ऐसा चीज नहीं है जिसका कैटलॉग, आप जो भी प्रोडक्ट दे रहे हो उसका क्या है, वो देखने में कैसा है, उसके पिक्चर, उसके स्पेसिफिकेशन क्या है,
वो तो सर स्पेसिफिकेशन उन्होंने डाली होती है बेड में ना, बेड में तो आपका प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन वैसा, आपका प्रोडक्ट का क्या वैसा ही है वही डालना है ना, आपके प्रोडक्ट का, आपके प्रोडक्ट जो दे रहे उसका कोई मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर, वो दिखने में कैसा है, वो मान लीजिए सेल्टर है तो कॉटन का है, टेरी कॉटन का है, या दूसरा आप यूज कर रहे हो उसमें कौन सा स्टैंड यूज कर रहे हो, क्या यूज कर रहे हो, कितना बाय कितना साइज है, सब डिटेल्स डाल के देना पड़ेगा ना। आप क्या ऑफर कर रहे हो, बायर ने अपना बोला है पर सेलर क्या ऑफर कर रहा है जी। बट सर हम तो हमेशा से मतलब जब से मैं बिडिंग कर रहा हूँ तो हम तो मतलब सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स में अपने ही डॉक्यूमेंट देते हैं, जैसे इंडस्ट्री के सर्टिफिकेट, एमएसएमई हो गया, अपना पैन कार्ड वगैरह, वो सर आप कुछ भी मत डालो ना उसमें, ब्लैंक पेपर भी अपलोड कर दो ओके तो भी चल जाएगा, आपके बायर के साथ बराबर है तो सब कुछ चल जाएगा, प्रॉपर क्या चीज जाएगा वो मैं आपको बता, हम तो ब्लैंक पेज अपलोड करके मेरा अप्रूवल हुआ है ऐसा भी जी जी, बायर के साथ आपका सब कुछ मैनेज है तो वो थोड़ी चेक करने वाले। नहीं सर वो बात भी नहीं, हम अदर्स डिपार्टमेंट में भी करते हैं तो हम यही डॉक्यूमेंट चलाते हैं, ऐसा वो प्रॉपर प्रोसेस नहीं है वो, फिर आपको उसका स्पेसिफिकेशन का ही फाइल जाना चाहिए। ओके सर ओके, वो जो आप डॉक्यूमेंट बोल रहे हैं वो एटीसी में जाएगा, बीओक्यू स्पेसिफिकेशन में नहीं जाएगा। ठीक है सर ठीक है। हेलो सर बताइए सर, ये ओल्ड वीडियो क्यों नहीं चल रही है सर? सर ओल्ड वीडियो का सर्वर में बोला मैंने, आप शायद लेट आए, सर्वर का हमारा डेटा डिलीट हो चुका है इसलिए नहीं आएगा, ट्यूजडे तक हमने टाइम लिया है, ट्यूजडे को आप लोगों को वीडियो दिखाऊंगा। अच्छा, और ये सर ये क्या 5 लाख के नीचे आप बिड नहीं निकाल सकते? हाँ, बीओक्यू बिड और कस्टम बिड जो है भी 5 लाख के नीचे नहीं डाल सकते, कुछ नहीं डाल सकते, एस्टिमेट वैल्यू खाली 5 लाख नहीं क्या हम डाल नहीं सकते कि वो निकाल नहीं सकते? डाल सकते हो, एस्टिमेट का जो वैल्यू है ना वो 5 लाख वहाँ पे मैनुअली डालना पड़ेगा, बस इतना ही। और नया चेंजिंग क्या आया सर? ये बीक्यू में भी 5 लाख का सर। पंडित सर प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप बीच में मत बोलिए, आपका होने के बाद बोलिए, जो भी क्वेरी खत्म होता है हैंड रेज कीजिए और फिर बोलिए। सिंह सर बोलिए। मैं कह रहा हूँ सर नया चेंजिंग और क्या क्या आया है, कुछ नया चेंजिंग आप बोलो सर, उसमें मैं बता सकता हूँ। अभी आपने क्लास कब किया था वो मुझे याद नहीं, उसके बाद क्या हुए हैं वो नहीं बोल सकता अभी, पिछले अगले प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है वो बताएंगे तो मैं बोल सकता हूँ। अगले मंथ में मैंने क्लास किया था। हाँ, और यही बीओ क्यू तो आपने बता ही दिया, उसका कस्टम बिड बदल गया, कस्टम बिड में कैटेगरी अभी ऐड करना नहीं पड़ता था, अभी कैटेगरी ऐड करना के बारे में बदल गया, यही चीजें बदले हैं, बाकी तो कुछ नहीं, इतना ही चीज बदल गया। अच्छा ये चीज है। और थोड़े आईटीआर में अभी अपडेट होने वाले हैं, मतलब अभी आईटीआर में कुछ लोगों को अपडेट हुए हैं कुछ लोगों का नहीं हुआ, तो अगले 7 डेज के अंदर आपको आईटीआर में अपडेट मिलेगा। क्या क्या अपडेट? मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। आपको मैनुअली अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जो हम लोग मैनुअली डेटा डालते थे, आप आईटीआर का फॉर्म वहाँ पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, आप डायरेक्ट अपलोड कर देंगे, जेएम वेरीफाई करके आपको डायरेक्ट उसका वेरीफाई करके दे देगा। ये अभी 7 डेज में अपडेट आने वाले। चलिए ओके। हाँ भारती सर, भारती मैडम। सर हम बायर बायर की आईडी बना सकते हैं क्या सर? गवर्नमेंट का ईमेल आईडी रहा तो बना सकते हैं मैडम, आपके पास जियो की। मैंने बायर की आईडी बनाने के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या बोले थे? गवर्नमेंट का ईमेल आईडी और आधार कार्ड होना चाहिए, ये दो चीजें बोला हूँ, ये यदि दो चीजें आपके पास है तो आप बना सकते हो। वो गवर्नमेंट का ईमेल आईडी कैसे ले सकते हैं सर? जिसके लिए आपको गवर्नमेंट एम्प्लॉय होना पड़ेगा। और सर जी वो पहले ऑर्डर कब कितने तक ले सकते हैं हम? पहला ऑर्डर कितने तक भी ले सकते हो, 10, 20 करोड़, 50 करोड़, कोई लिमिट नहीं है मैडम। ओके सर, थैंक यू सर। प्रणाली मैडम। सर एक ये था, एक बीओक्यू बिड अगर बायर साइट से हम बना रहे हैं हाँ। तो वहाँ पे पहले कैसे बीओक्यू 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 4 बार डालने से ओके होता था, बराबर। अभी क्या रहे, 3 बार ही आता है, चौथे में ऑप्शन ही नहीं आता, तो वो कैसे बिड कर सकते हैं? बीओक्यू बिड क्रिएट करने का कहाँ पे? बायर लॉगिन से, बायर लॉगिन से, बायर लॉगिन के पहले स्टेज पे क्या? हाँ पहले स्टेज पे अपन कहाँ पे, पहले स्टेज पे हो ना, बायर लॉगिन ऑन का सीट अपलोड करते थे ना,
अच्छा वो कैटेगरी चूज बोल रहा हूं स्टार्टिंग में कैटेगरी वहां पे नहीं आता अभी बीओक्यू, अभी आपको दूसरा कोई कैटेगरी चूज करना पड़ेगा, जो कैटेगरी है वहां पे बीओक्यू है, यूनिवर्सल कैटेगरी अभी आप चूज नहीं कर सकते। नहीं अगर रिलेवेंट कैटेगरी भी नहीं पता अपने को तो नहीं, तो कुछ ना कुछ एक चूज करना पड़ेगा उसके रिलेवेंट, रिलेवेंट में ही मिल नहीं रहा कैटेगरी, तो फिर आप कुछ भी चूज करो नहीं तो बीओक्यू बिड मत भरो, रिलेवेंट आपको करना ही है, मैंडेटरी बोल रहा हूँ मैं, मैंने आपको ऑप्शनल नहीं बोला है। ओके ओके करना ही है, अगर रिलेवेंट नहीं रहेगा तो भी चलेगा बट वो भी आपको करना है, नहीं तो फिर बीओक्यू बिड नहीं बना सकते आप, फिर आप 4-5-10 आइटम का एक सब बीओक्यू बिड बनाओ और जिस कैटेगरी का उसका एक रिलेवेंट डाल दो। और एक मुझे बताइए ना सर कि अगर जैसे अपन ये करते हैं बायर लॉगिन में जाते हैं और कोई प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है तो अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकालते हैं, बराबर नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट, नॉन अवेलेबिलिटी रिपोर्ट निकालने के बाद उसको अपन क्या करते हैं वो ये करते हैं यूनिवर्सल कैटेगरी में डालने के लिए अपलोड करते हैं, बराबर हाँ, तो वहां पे जाने के बाद भी वहां पे भी कैटेगरी पूछता है, वहां पर भी कैटेगरी, अभी तो थोड़े देर पहले मैंने वही बताया ना जो वो चीज में अभी सिंह सर से बात हो रही, तो मैंने वही बोला कि वहां पर भी कैटेगरी मैंडेटरी हो गया, कैटेगरी डालना ही पड़ेगा, दो चीजें बीड डालते वक्त दो चीजें मैंडेटरी हो गई, यूनिवर्सल कैटेगरी और बीओक्यू बीड, कैटेगरी डालना और 5 लाख के नीचे एस्टिमेट वैल्यू मिनिमम 5 लाख डालना पड़ेगा, ये दो चीजें मैंडेटरी हो गई, मैंडेटरी करेक्ट सर, क्योंकि बायर लॉगिन से भी मैं ट्राई कर रहा था बट रिलेवेंट क्या। हाँ सॉरी सर आपका म्यूट हो गया, बोलिए। बायर भी बोल रहा है कि रिलेवेंट कैटेगरी नहीं मिल रहा है तो कोई भी एक कैटेगरी डाल दो, तो इसकी वजह से मेरे को कोई भी चलेगा ना, मतलब उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता है ना, रिलेवेंट मतलब कैसा कोई कैटेगरी है कि रिलेवेंट नहीं है, उसके अकॉर्डिंगली जो भी एक परफेक्ट बैठता है थोड़ा बहुत मैचिंग है डाल देने का, वो टेंडर में तो आता नहीं सर डॉक्यूमेंट्स में। पहले अच्छा तो करने से हो जाता है। हेलो राजेंद्र सिंह सर बोलिए। निकालना पड़ेगा और ISO निकालते वक्त देखने का, दो तरह का ISO निकलता है, एक ISO निकलता है ऑडिटेबल, एक नॉन ऑडिटेबल, गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हो तो ऑडिट वाला निकालो, नॉन ऑडिट वाला नहीं निकालो। कहाँ से बोल रहे सर आप? सर नागपुर महाराष्ट्र से। नागपुर से? जी सर। नागपुर का तो पता नहीं, दिल्ली में देखो 1,500-2,000 में निकालता है, कोई पार्टी होगा तो फोन करो। सर मैं निकालता हूँ। हाँ तो निकालते हैं। वैभव सर है? सर नंबर दीजिए ना। वैभव सर कांटेक्ट नंबर शेयर करो। नहीं तो इनको दे दीजिए ना। हाँ वो और सर मुझे चलो यहाँ पे डिस्कशन मत करो। सर मुझे एक और पूछना था बस लास्ट। हाँ बोलो। नंबर तो भेजो सर। सर सर यहाँ प्लीज डिस्कशन मत करो, वो चैट बॉक्स में दे दो। नहीं नहीं मैं अपना और किसी को लगेगा तो वो भी दे देंगे आपको, है ना? जी सर मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ वो बता दीजिए बस। मैं सर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो सर्विस एलवन होता है, सर्विस एलवन वो एक दिन में डायरेक्ट परचेज कितने लाख तक किया जा सकता है एक सेलर आई डी से और एक बायर आई डी से? 25,000 डायरेक्ट परचेज। नहीं नहीं 5 लाख तक मान लीजिए 5 लाख के नीचे मुझे 5 परचेज करना है तो क्या एक दिन में हो जाएगा? हाँ हो जाएगा ना, एक ही दिन में। सेम चीज नहीं होगा, सेम ही नहीं, एक ही आइटम मान लीजिए कार है समझिए, उसका 4 लाख रुपए का एक कार का है और मुझे 5 कार का एक ही सेलर आई डी से और एक ही कंसाइनी आई डी से, तो अलग अलग। मेरा बात सुनो पहले, प्रोडक्ट नहीं कर सकते आप अलग अलग प्रोडक्ट। आपको लैपटॉप चाहिए, आपको नहीं नहीं तो सर सेम प्रोडक्ट कितने दिन में कर सकते हैं मान लीजिए 7 लाख तक? 7 दिन बाद करना पड़ेगा। हाँ 7-7 दिन बाद या फिर अलग अलग आईडी से होगा? अलग अलग नहीं सेम ही आईडी से करना हो तो फिर 7-7 दिन बाद ऑर्डर।
और सर उसका जो बिल जनरेट होगा जो उसका, तो उसपे जैसे मान लीजिए मंथली उसका पेमेंट होता है उस चीज का, बराबर तो बिल कैसे करने का ना, कैसे होगा उसका क्या शेड्यूल है, जैसे मैं उसका सेलेक्ट कर मंथली का, तो मंथली सेलेक्ट करने के बाद वो नहीं ले रहा है, मंथली सेलेक्ट करने के बाद वो जैम नहीं ले रहा है, जैम नहीं ले रहा है, बायर को देखो बीड में मंथली बोला था या फिर आपने क्वार्टरली बोला था, यदि मंथली बीड नहीं है वो डायरेक्ट डायरेक्ट परचेस है, डायरेक्ट परचेस है, मंथली में डाला था, मैं ही बायर का डालवा फिर होगा सर, नहीं तो उसका आईडी पासवर्ड भेज देने का, मैं देख लूंगा बाद में उसका ट्रेंडर कॉन्ट्रैक्ट भेज देगा। ओके सर, इनको दे दीजिएगा नंबर, बोल दीजिए ले लीजिए, नंबर चैट बॉक्स में सेव करो। माने सर, आकाश सर बोलिए। हाँ सर, बीओक्यू कैटेगरी में बेड बनाते समय कोई भी एक कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ता है, लेकिन उस कैटेगरी से रिलेटेड जिसके पास कैटलॉग होगा उसको नोटिफिकेशन जाएगा क्या? नहीं 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 किसी को नहीं जाएगा जी, बीओक्यू का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा जी सर जी। सिंह सर। हाँ जी सर। सर मेरा एक क्वेरी थी कि जब हमने बिल जनरेट करते हैं तो सर हमने जैसे कि हमारा जो ऑर्डर है वो कोई 25 लाख का है, तो हम उसके लिए ना सर ट्रांसपोर्टेशन में तीन बिलें जाती हैं हमें, तो जैम में तो एक बिल अपलोड होती है। नहीं समझे, फिर से रिपीट कीजिए आपका। सर जैसे हमारा ऑर्डर है ना, तो ऑर्डर के लिए सर तीन बिलें जाती हैं गाड़ी के साथ या ट्रांसपोर्ट के साथ, तो सर उसके बाद जैम पे तो एक ही बिल अपलोड होती है ना? जैम पे नहीं, आप जितने का करेंगे, मान लो एज एग्जांपल प्रोडक्ट का बात करता हूं है ना, मान लीजिए प्रोडक्ट आपको आया है, 1000 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, आप अभी 200 क्वांटिटी डिलीवर कर रहे हो, तो 200 का ही ऑर्डर बना सकते हो, 800 पेंडिंग दिखाएगा आपके पास जी, मतलब छोटा छोटा करके दिखा सकते हैं हम। हाँ हाँ हाँ, कर सकते। ओके, उस पे फिर दो तीन बिलें अपलोड हो सकती है वहाँ पे। यस यस। ओके सर, दूसरा एक और इश्यू था मेरा लास्ट, उसमें सर आरए जो आता है, आरए पार्टिसिपेशन, तो सर आरए में जब हम 7 बजे से पहले रेट डालते हैं तो वो चल जाता है, तो 7 बजे के बाद टाइमिंग चेंज हो गई है कि 7 बजे के बाद नेक्स्ट डे हो जाता है? नहीं, उसका एक टाइमिंग रहता है सर, 7 बजे वो जब आपको आता है ना, उसका मेल भी आता है, तो 7 बजे से लेके 12 बजे तक चलेगा, तो 7 बजे से 12 बजे तक आप कभी भी रेट डाल सकते हो और कितनी बार भी डाल सकते हो। राइट सर, वो ठीक है, जैसे कि 8 बजे तक टाइम होता है, तो 7 बजे अगर हम रेट चेंज करते हैं तो सर वो रेट एक्सटेंड हो जाता है टाइमिंग। हाँ, बायर टाइम एक्सटेंड कर सकता है। ओके सर, ओके। जनरली 1 घंटा रिवर्स ऑक्शन में यदि मैनेज है तो 1 घंटा पहले टेंडर रेट नहीं कोट करते का। यदि आप 1 घंटा 8 बजे टाइमिंग है तो 7 बजे यदि आपने रेट डाल दिया 7 से 8 के बीच में, तो वो फिर से एक्सटेंड कर देगा बायर। ओके सर। देशपांडे सर। सर वही आरए के रिलेटेड एक मेरा क्वेश्चन है कि सपोज रिवर्स ऑप्शन एक्टिव किया बिड में एंड यानी कस्टम बिड में रहता है अभी, अगर रिवर्स ऑप्शन में जो भी L1 की प्राइस दिख रही है, जो भी व्होएवर सेलर है, अगर उसने रिवर्स ऑप्शन में भी उसने उसका प्राइस डाउन किया नहीं, तभी भी आरए यानी उसका बिड ये करता है? बिकॉज एक बिड में मैंने देखा था कि बायर ने वहां पे एक नोट आ रहा था कि ड्यू टू नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एनी बायर फॉर रिवर्स ऑक्शन बिड का डिसीजन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसा कुछ होता है क्या सर? हाँ, हो सकता है ना सर, कोई तो रिवर्स ऑक्शन में डाला है तो कोई तो आना चाहिए, क्या करने का उस टाइम पे, यदि आप सबसे लोवेस्ट L1 आप हो तो आप हाँ। अपना 1 रुपया या उसका 0.01% कम करने को बोलता है, राइट, तो उतना परसेंट डाल के और उसमें रेट कोट करके छोड़ देने का। नहीं, एक अभी सर बिड में वही हुआ कि भले हमारा प्राइस L1 नहीं था, बट जो भी L1 आ रहा था वो बंदे ने भी उसका प्राइस 1 रुपए से भी कम नहीं किया, और अभी वो हाँ, मैसेज तो नहीं, 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 वो फिर वो बायर के ऊपर डिपेंड करता है, वो दे भी सकता है और नहीं भी दे। ओके ओके, यही मेरा क्वेश्चन था। ठीक है सर, परफेक्ट। ओके आकाश सर। सर जो भी ऑर्डर का पेमेंट रहता है ना, वो बायर कैसे करता है? अभी इधर तो ग्राम पंचायत में क्या रहता है या फिर पंचायत? दो मेथड है, ऑफलाइन है और ऑनलाइन है।
यदि आप ऑफलाइन करेंगे तो कुछ नहीं, ऑफलाइन में चूज करो, जो पेमेंट डिटेल दिया उनका डिटेल्स उधर डाल दो, हो जाएगा। ऑनलाइन करते हो तो वहाँ पे ऑनलाइन में डायरेक्ट आपको नेट बैंकिंग वगैरह का ऑप्शन आ जाता है, वहां से उसका डिटेल्स डालो और वहां से आप नेट बैंकिंग थ्रू से डायरेक्ट पेमेंट कर। लेकिन वो सिस्टम पे अपडेट, ऑफलाइन पेमेंट का सिस्टम पे कैसे अपडेट करना पड़ेगा? जब आप किसी को ऑर्डर करते हो, देखो ऑफलाइन वहीं पर आपको कंसाइनी डालते वक्त ही आपको करना है। अभी यहाँ पे डाल रहे हो कैटेगरीज में, अभी मुझे क्या चाहिए, पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, जेल पेन। कंसाइनी ठीक है, 100 पॉइंट की चाहिए, सर्च हमने डाल दिया। अभी L1 आ गया, मुझे L1 से कोई मतलब नहीं है क्योंकि हम लोग डायरेक्ट ऑर्डर दे रहे हैं, है ना? हाँ जी। ऑप्शंस भी नहीं है, किसी को भी दे सकते हैं, 4300 इसको देना चाहते हैं इसको दे सकते हैं ऑर्डर, डायरेक्ट परचेस 25,000 से नीचे है। प्रोसेड टू चेक आउट, यहाँ पे जाओ, डायरेक्ट परचेस, यस, यहाँ पे जाओ, रीजन चूज, कंटिन्यू और फिर यहाँ देखो, एक इंटरनेट बैंकिंग है, दूसरा अदर्स है, ये यदि चूज किया तो ऑफलाइन में चला जाएगा, ठीक है? जी सर, जी जी, यहाँ पे चूज करने का अदर्स में। अभी पहले कई ऑर्डर इंटरनेट बैंकिंग से किया हुआ है, हाँ, तो फिर वो नेट बैंकिंग को भेज देगा आपको, उसको ऑफलाइन में नहीं ला सकते हम? नहीं, अभी नहीं ला सकते, उसी टाइम जब कंसाइनी चूज करोगे ना आप ऑर्डर, तभी चूज करने का। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। राहुल सर, हेलो, हाँ बोलिए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे पास एक बायर है, वो कोर्ट में है, कोर्ट का बायर है वो, तो सर उन्होंने आज तक जैम यूज नहीं करा है। क्या क्या है? मतलब उन्होंने जैम आज तक यूज नहीं करा, उन्हें पता नहीं था, मैंने उन्हें बताया था तो वो मतलब एग्री हो चुके हैं, तो वो कह रहे हैं कि जो कोर्ट की जो पेमेंट है वो 3 महीने के साइकिल में आती है, कि वो कहते हैं कि जो भी बिल्स वगैरह होते हैं हम बनाते हैं, फिर हम हाई कोर्ट भेजते हैं, हाई कोर्ट अप्रूव करके सुप्रीम कोर्ट को भेजते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट अप्रूव करके देन आते हैं पेमेंट। तो सर एक क्या कहते हैं इस केस में हम क्या कर सकते हैं, मतलब क्योंकि हमें तो पेमेंट तो जल्दी चाहिए होगी ना, क्योंकि 15 दिन का तो साइकिल होता है। वो बायर को जब उसके पास फंड आ गया तब उसको ऑर्डर निकालना चाहिए था ना। अच्छा, फंड आने से पहले ऑर्डर क्यों निकाला उसको? अच्छा अच्छा सर। और सर क्या कहते हैं एक क्वेश्चन और है, मतलब एक जो मेरे नोन में ग्राम पंचायत में है वो, हेलो, हाँ बोलिए ना सर। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरे एक नोन में वो ग्राम पंचायत में है, तो उन्होंने भी मतलब मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे है कि बायर वगैरह, तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप हमारी आईडी चला लो और जैसा भी होगा आप हमें करके बता देना, क्योंकि उन्हें कोई भी आइडिया नहीं इस चीज का। तो सर मतलब मैं उनकी आईडी ऑपरेट करूंगा तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब कोई लीगली दिक्कत हो कुछ ऐसा? नहीं, लीगली तो देखेंगे, तो लीगली तो यूज नहीं कर सकते ना। उनसे चाहे तो एक लेटर लेटर लिख के ले लो, एफिडेविट करवा के ले लो। अच्छा अच्छा, नहीं सर वो नहीं सर, बायर को तो कोई दिक्कत नहीं है, बायर तो कह रहे हैं कि ठीक है मैं समझ गया। अभी आप बायर आज वर्बली बोल रहा है, कल बायर ने आपके ऊपर केस, आप लीगल बात कर रहे हो तो लीगल में क्या होगा, कल दिन बायर ने केस कर दिया आपके ऊपर तो बोलेगा मैंने दिया ही नहीं, तो वर्बली का तो बयान नहीं रहेगा ना। तो उससे यदि आप लीगली जाना चाहते हो तो मेरे अकॉर्डिंगली कैसा है कि 500 के स्टैम्प पेपर पे एक एफिडेविट करवा के ले लो,
जो मैं इसको दे रहा हूँ यूज करने। ओके सर, बाकी ऐसे आपने अपने अकॉर्डिंगली चला रहे हो अपने रिलेशन में तो बिंदास चलाओ, कोई प्रॉब्लम। हाँ तो सर वही है, मतलब तो सर मेरे पास तो ऑथराइजेशन लेटर है नहीं, तो मैं तो सारी जो बिट्स वगैरह है या तो बीओक्यू बिट्स बनाऊंगा या फिर कस्टम बिट्स बनाऊंगा। तो सर मतलब ज्यादा कस्टम बिट्स और बीओक्यू बिट्स बनाएंगे तो इसमें कोई मतलब प्रॉब्लम तो नहीं आती ना कि बाहर को क्यों नहीं आके। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सिंह सर बोलिए। हेलो सर, सर एक एक सर हमल रिक्वेस्ट है सर, जो बायर की जो जो आपने वीडियोस जो बनाई थी सर वो ना अपलोड नहीं हुई है, तो सर थोड़ा सा उसको हमारा डेटा डिलीट हो चुका था थोड़ा। अभी इस बैच के हैं या पहले के? सर मैं 2 फेब जो बैच नहीं हुआ था उसका बैच का है ना, 2 फरवरी का था, वो डेटा पूरा डिलीट हो चुका था। अभी ऐड कर रहा हूं, देखो हर एक बैच में आपको पूरा हूं, ट्यूसडे वेडनेसडे तक सब लोगों को यही बोलता हूं मैं, तो बाकी और प्लीज कोई क्वेश्चन मत पूछो। ट्यूसडे तक या मैक्सिमम वेडनेसडे तक सभी वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच। शर्मा सर बोलिए। विकास सर, हेलो। हाँ बोलिए सर, एक छोटा सा डाउट है। अभी जो आपने सिखाया था ना कि जैसे कोई पार्टी अगर कोई एल्वर डायरेक्ट परचेज कर रही है, एक बार अगर थोड़ा सा वो प्रोसेस वापस बता दे सर तो काम हो जाएगा। एक्चुअली मैं उनको लिंक भेज रहा हूँ लेकिन उनको ऑर्डर प्लेस करना नहीं आ रहा है, सो आई कैन गाइड देम। आपका प्रोडक्ट का सबसे बेस्ट प्राइस होना चाहिए, मैंने पहले ही बोला है ना, यदि आपका प्रोडक्ट का रेट उस बायर के लोकेशन में नहीं होता है तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, है ना जी सर। मार्केट में एक चीज और पूछना था कि मैंने कोई आइटम को मैंने क्लोन किया, क्लोन करके मैंने L1 डाल दिया, लेकिन थोड़े दिन बाद में किसी और ने भी क्लोन कर लिया, उसने और कम डाल दिया, तो उसको चला जाएगा जो सबसे कम, तो उसको जाएगा वो चीज। अगर वो आइटम को अगर मैं प्रोडक्ट को मैं अपने स्पेसिफिक अपडेट करूं, लाइक क्लोन नहीं करके मैं उसको अपलोड करता हूं, खाली मेरे अंदर रहेगा तो भी पेयर कर सकता है ना लोग? हाँ सर, तो भी मैं पेयर कर सकता हूँ ना, कोई भी पेयर कर सकता है ना, नया डालो तो भी पेयर कर सकते हो, आप भी क्लोन कर सकते हो उससे। अच्छा सर, इसके लिए क्या है कि हाँ मेरा है तो खाली मैं ही रहूंगा, लेके OEM के जो ऑथराइजेशन नंबर वाले प्रोडक्ट है वही प्रोडक्ट डाले, तो जो लोग OEM से ऑथराइज नहीं है वो लोग आपका प्रोडक्ट पेयर नहीं। अच्छा सर, इसमें एक चीज और है, कुछ आइटम्स ऐसे हैं हमारे आइटम में जैसे लाइक एम्पोरियम प्रोडक्ट है, वो तो ब्रास के हैंडमेड आइटम्स है जिसके कोई मैन्युफैक्चरर लाइक फिक्स नहीं, कुछ आइटम कहीं से उठानी पड़ती है, कुछ आइटम कहीं से उठानी पड़ती है, तो उसको कारीगर को देके बनवाना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, क्योंकि मैं जो कैटलॉग में अपडेट कर रहा हूं आपके पास, फिर आप उसके लिए OEM के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपके पास यदि फैक्ट्री यूनिट है सब कुछ है, आप रॉ मटेरियल लाते हो और उसका बनाते हो, तो आप OEM के लिए अप्लाई करो जेम पे और आप OEM बन जाओ, पर उसके लिए सब यूनिट वगैरह सब कुछ दिखाना पड़ेगा। अच्छा सर, जैसे मैंने अभी एक आइटम मैंने अपलोड किया था लेकिन वो अभी तक एडमिन क्लियरेंस पे है, कैटेगरी उसको मैंने डाला है एम्पोरियम प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना, वो जेम चेक करेगा, 2 से 3 दिन लगता है, यदि आपने बीड आईडी नहीं डाला तो 7 दिन, मैंने बोला था 7 दिन के अंदर उसका आपको आ जाएगा रिवर्ट में। चलिए ठीक है सर, ये सिखा देना रिवर्ट वापस जो लिंक वाला काम डायरेक्ट परचेस का। नेक्स्ट, और इसका कुछ क्वेरीज है और हमने 50,500 में किया है उसको, बराबर। हाँ। अभी बायर का कहना है कि हमारे पास इतना फंड्स नहीं है, अब अगर उसको कुछ डिस्काउंट करते हैं तो मैं आपका बिल पास कर देता। हाँ। तो सर इसमें हम लोग उसको डिस्काउंट दे सकते क्या कुछ? वो नहीं दे सकता, वहाँ पे उसके पास जब वो बिड क्रिएट किया है ना वहाँ पे उसके पास एक नेगोशिएशन नेगोशिएट बोल के एक ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे जाके उसको बोलो जो नेगोशिएट बोल के क्लिक करने के लिए। सर लेकिन ऑर्डर हो चुकी है ना उसके, सर ऑर्डर हो चुकी है, ऑर्डर हो चुका है, प्लेस हो चुका है, उसके बाद में कुछ नहीं कुछ नहीं, ऑर्डर प्लेस होने के बाद ऑर्डर कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर दे दिया ना, ऑर्डर देने से पहले। तो जैसे इसमें हम लोग मेरे इनवॉइस में डिस्काउंट को कम सप्लाई करो,
दस क्वांटिटी है तो 12 क्वांटिटी का ही बिलिंग बनाओ और 3 क्वांटिटी ऐसे पड़े रहने दो जेम पे। अच्छा, पर नुकसान आपको ऐसे है यदि बायर ने कभी आपको आपके ऊपर अगेंस्ट में एक्शन लिया तो आपको वो 15 दिन 20 दिन 25 दिन जो भी है उतने दिन के लिए आपका अकाउंट ब्लॉक कर सकता है। वो आपको और बायर के म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में हुआ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं, बायर अपने पहचान के सर उनका कहना था कि आप अपने इन्वॉइस में हमको डिस्काउंट करो मतलब 49,900 का कर दो फिर ठीक है ना, आप बिलिंग कम अमाउंट का कर दो तो सर इन्वॉइस तो एज इट इज 50,500 का रहेगा। नहीं ना, इन्वॉइस में आप क्वांटिटी कम कर सकते हो ना, आपको दो क्वांटिटी का ऑर्डर है तो आप एक क्वांटिटी का ऑर्डर एक क्वांटिटी का बिल रेज करो ना, एक क्वांटिटी का छोड़ दो ना। ओके, उतना का ही अमाउंट पेमेंट होगा। अच्छा अच्छा सर, ऐसा कर सकते हैं क्या जैसा मैंने अपने बिल में डिस्काउंट कर दिया जो हम लोग बिल अपलोड करेंगे और जेम का इनवॉइस तो जेम का इनवॉइस 50,500 का रहेगा और मेरा इनवॉइस 49,900 का, मैं ऐसा कर सकता हूं क्या सर? नहीं समझा क्या बोल रहे सर। जेम का कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर हुआ है 50,500 का। हाँ ठीक है, अभी मैं उसमें उनको कुछ डिस्काउंट अपने तरफ से कर सकता हूं आफ्टर ऑर्डर? नहीं नहीं, आप नहीं, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर के बाद डिस्काउंट नहीं कर सकते। ओके अभिजीत सर, हेलो सर, ये अपना जैसा अपन ये करते हैं बैक आईडी से L1 L2 नहीं किया सर, अबाउट 25 का नहीं किया, L1 L2 नहीं किया, अबाउट 25 परचेसिंग। हाँ हाँ तो सर एक्चुअली वो L1 L2 आता नहीं, फिर कैसा करें सर उसका? L1 L2 आता नहीं, कहाँ पे नहीं आता? उनके आईडी पे जैसा प्रोडक्ट रहा एक्चुअली सर, मैं स्क्रीनशॉट पाएंगे क्या? स्क्रीनशॉट भेजो ना फिर, कौन से बायर के आईडी से L1 नहीं आ रहा है देखो। सर मैं ओपन करके बैठा हूँ उनके बारे, उसका फोटो निकालो व्हाट्सएप पे भेजो, मेरा व्हाट्सएप खुला है देखता हूँ। ठीक है कुणाल सर बोलिए। सर जैसे बायर के आईडी से हमें कोई भी प्रोडक्ट L1 करनी है तो हम लोग जो फिल्टर लगाते हैं हाई टू लो, तो जो सबसे हाई वाली जो प्रोडक्ट है तो सर हम उसको उसका जो आईडी है वो हम नए प्रोडक्ट में ऐड करते हैं तो सर देखते हैं तो सर सिर्फ दो ही हम लोग देखते हैं तो बाकी सर, आपके पास हाई रेट हाई टू लो कर रहे हो तो हाई के नीचे उसके नहीं है, उसके नीचे कंपेयर के लिए जगह ही नहीं है ना। तो सर ऐसा हो सकता है कि एक हमारे दूसरे का आईडी से वही चीज में एक तीसरे प्राइस कम करके हम अलग आईडी से अलग ब्रांड का प्रोडक्ट अपलोड कर देंगे तो हो जाएगा। तो सर लेकिन अब कंपेयर करने के लिए सर ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड कैसे कंपेयर कैसे होता है सर? सर तीन अलग अलग ब्रांड चाहिए, चाहे वो अनब्रांडेड हो या ब्रांडेड हो, तीन अलग अलग ब्रांड और तीन अलग अलग सेलर चाहिए। ओके फाइन, हो सकता है ना। अच्छा दूसरा एक चीज पूछनी थी, जैसे कि सर विदाउट जीएसटी दूसरा भी आईडी है, विदाउट जीएसटी, विदाउट जीएसटी वाला जो आईडी है उसके अंदर हम लोग जैसे कि 50,000 के नीचे हम लोग परचेस कर सकते हैं तो पार्टी अगर सब गवर्नमेंट ऐसा कंपलसरी मांग सकती है कि जीएसटी नंबर चाहिए ही? नहीं 50,000, हाँ कुछ डिपार्टमेंट के नॉर्म्स होते हैं वो लोग नहीं एक्सेप्ट करते, पर ऑर्डर मिला तो ना ऑर्डर ही मत लो ना उसके, उसमें उसको खाली एज ए कॉम्पिटिटर की तरह यूज करो ना। तो एक्चुअली क्या है सर, जो बायर है ना वो ऐसा बोल रहा है कि भाई दो तीन आईडी में डिवाइड करो एक ही में नहीं सारा ऑर्डर। नहीं, 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 वो बायर के ऊपर है सर, वो बायर ने नहीं माना तो नहीं शिफ्ट होगा, कुछ बायर नहीं मानते। हाँ हाँ ओके फाइन सर, थैंक यू सर। सर वो L1 बता देते एक बार। कौन सा L1? ये जो मैंने पूछा था ना, आप कैसे परचेस कैसे दिखाते हैं बायर के आईडी से, ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं? नहीं समझा क्या बोले? बायर के आईडी से, बायर के आईडी से मतलब सेलर ने लिंक दे दिया तो उसको ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं, जस्ट खाली एक सिंपल प्रोसेस। ऑर्डर कैसे प्लेस करते हैं देखो, मान लो कोई भी बोल आपका क्या प्रोडक्ट है सर, कुछ भी ले लेंगे। मेरा एम्पोरियम प्रोडक्ट्स है एज ऑफ नाउ, एम्पोरियम प्रोडक्ट्स। चलो पेन ले लेता हूँ जी, आप कुछ भी ले लेता जी, कॉपियर पेपर है ना, आपको लिंक कैसे जनरेट करना है ये तो आप लोगों को पता है, पता है ना? लिंक आपको मिला है, मान लो ये कोई भी प्रोडक्ट है, ये 290 वाला प्रोडक्ट है या 235 वाला,
इसको ये मेरा प्रोडक्ट जी सर, न्यू आइटम ये है जी, अज्यूम करता हूँ ये प्रोडक्ट मेरा है, लिंक करने का आप लोगों को तो बता दिया, और ये मेरा प्रोडक्ट है, तो मेरा प्रोडक्ट जहाँ का बायर है वहां पे सप्लाई देना इसको जरूरी है ना जी सर। क्यू सेलर डिटेल्स, अब ये प्रोडक्ट है मेरा 235 का, सप्लाई कहाँ कर रहा है, बेंगलोर कर्नाटका बैंक। अब यहाँ पे मेरे पास आईडी नहीं है बायर का, तो ये प्रोडक्ट हम नहीं ले सकते क्योंकि आइडर मेरा पास वहां पे उसका नहीं है। हाँ, आपके पास महाराष्ट्र का है तो महाराष्ट्र का, हाँ महाराष्ट्र का है तो जो महाराष्ट्र में सेल कर रहा है उसको ही ऑर्डर देना पड़ेगा, है ना जी सर। ये देखता हूँ अपने न्यू टैब 178 है, यहाँ पे है सेलर डिटेल्स। अब यहाँ पे देखेंगे, अब ये महाराष्ट्र में बेच रहा है क्या, बेच रहा है तो इसको मिनिमम बट 4000 क्वांटिटी ऑर्डर देना पड़ेगा, 4000 से नीचे इसको ऑर्डर नहीं। ये भी खत्म हो गया क्योंकि ये डायरेक्ट परचेज नहीं होगा। आपने को एक प्रोडक्ट चाहिए प्रॉपर, ये डायरेक्ट परचेज में एक चीज और दिक्कत आती है, लाइक जैसे अगर L1 L2 L3 वाला होता है केस, तो उसमें जैसे आप बोल रहे हो कि तीन जने कंपैरिजन चाहिए L1 L2 L3 और तीनों अलग अलग ब्रांड से होना चाहिए, तो सर किसी आदमी को माल चाहिए, जैसे समझ लीजिए मेरे को चाहिए इस A4 का ले लेते हैं अपन, JK का ही चाहिए मेरे को, लेकिन L1 L2 L3 जब कंपेयर करते तो JK का दिखा रहा 180 रुपीज, लेकिन बाकी दो का दिखा रहा कम। मुझे यही ब्रांड चाहिए। अच्छा, बायर को आप उस रेट में सबसे कम आपको स्पेसिफिकेशन बोल सकता है, जो मुझे A4 पेपर चाहिए वो नहीं बोल सकता मुझे JK का ही चाहिए। नहीं नहीं, मैं एक्चुअली बोल रहा हूँ कि वर्बली या ऑफिशियली नहीं बोलते हैं, बोलो मेरे को फोन आ गया अरे शर्मा जी हमें यार ये इको है JK का पेपर, वो फिर आप अपना प्रोडक्ट को है, आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो बना लो ना, L1 बना लो कैसे भी ज्यादा रेट में, और आप उनके पास जो उसको प्रोडक्ट है वो सप्लाई करो आपके अकॉर्डिंगली, पर ऐसे बायर नहीं बोल सकता डायरेक्टली, मतलब JM के थ्रू से ऐसा नहीं बोल सकता ना। हाँ जी, JM के थ्रू नहीं बोलते, ये सब सेटिंग वाले ही काम है सर। हाँ, वो फिर सेटिंग के थ्रू से तो कुछ भी करो क्या बात, कौन से ब्रांड को इसमें कॉपियर पेपर में ऑथराइजेशन नहीं लगता, कौन है यहाँ पे कॉपियर पेपर JK में तो नहीं लग रहा सर, JK मेरा अपडेट किया हुआ एक दो। हाँ, ये देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे सबसे बेस्ट प्राइस कौन दे रहा है देखो, महाराष्ट्र के लिए इसका एक्चुअल प्राइस कितना है 399, पर महाराष्ट्र के लिए प्राइस क्या है देखते है ना, महाराष्ट्र के लिए दो तरीके से हो सकता है, अभी यहाँ पे देखेंगे महाराष्ट्र में कौन सप्लाई कर रहा है, जम्मू कश्मीर, ये नहीं ठीक है, दिल्ली में है क्या, मैं दिल्ली में नहीं पंजाब में है सर ना, दिल्ली कहाँ का मेरे पास बाहर का है, पंजाब और वेस्ट बंगाल है ना, पंजाब और वेस्ट बंगाल का है क्या, देखो इसमें कुछ पंजाब का है ना सर, इधर जम्मू है ना, पंजाब में भी देने है ना, इधर नहीं है ना पंजाब, नहीं नहीं मेरे पास जहाँ का बायर है वहाँ का कोई भी नहीं है। चलो दूसरा और एक प्रोडक्ट है इसका, ये प्रोडक्ट देखते हैं, ये प्रोडक्ट का देखते हैं क्या है, वही वाला है क्या, तो दूसरा वाला लिया, व्यू सेलर डिटेल्स गुजरात है ना, दिल्ली और UP, बेंगलोर, गोवा, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब है ना, चंडीगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हाँ पंजाब है, इसको क्या रेट में मिलेगा फिर 235, पर क्वांटिटी देना पड़ेगा 100 का ऑर्डर मिनिमम, ये क्योंकि मिनिमम क्वांटिटी 100 ही लिखा है, अभी लोग है तो ये लोग नहीं ले सकते, तो मुझे इसको ऑर्डर, चलो मैं इसको ऑर्डर देने का प्लेस बता रहा हूँ, अब इसको ऑर्डर देना है L1 आना पड़ेगा, है L1 लाने के बाद होगा इसको 100 सप्लीमेंट, जैसे L1 आ जाएगा तो उसको ऑर्डर दे पाऊंगा। हंड्रेड है ना, 23,500 आ रहा है ना, अच्छा
हंड्रेड का 23,500 आ रहा है, 25,000 के अंदर आ रहा है तो फिर हम डायरेक्ट इसको बाई कर सकते, बाई डायरेक्ट परचेस हो गया ऐड कार्ड। ये तो ठीक है, लेकिन अगर बाई चांस L1 L2 L3 दिखाना पड़े तो कैसे? ये तो आपको L1 करना पड़ेगा ना सर, प्रॉपर तो करना पड़ेगा। हाँ वो तो फिर आपको फिल्टर लगा के ढूंढ के आपको प्रॉपर वे वे से होके जाना पड़ेगा। उसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या कुछ? और शॉर्टकट तो है बहुत सारे, पर वो फिर वो मैनिपुलेशन का पार्ट रहता है, डायरेक्ट प्रॉपर प्रोसेस से नहीं, फिर मैनिपुलेट होके हो सकता है। अच्छा अच्छा, मतलब प्रॉपर प्रोसेस से। तो सर एक चीज पूछनी थी। हाँ बोलिए सर। उस हिसाब से हम L1 L2 जो बायर के आईडी में उसको प्रॉपर मिलेगा कि भाई L1 में ये प्राइस आई, L2 में ये, L3 में ये, कंपैरिजन करने के लिए तुरंत आ जाता है ना L1 कौन है, L2 कौन है, L3 कौन है? नहीं ऐसे नहीं सर, सेटिंग से। हाँ सेटिंग से आप कोई भी यही वाला आप चाहे 1,000 रुपए में भेज दो बिक जाएगा। हाँ लेकिन सर मैं क्या बोल रहा हूँ, तो फिर उससे कम तो दो चाहिए, अरे उससे ज्यादा दो तो चाहिए ना सर, तो वो हो जाएगा सर उसके अंदर? हो जाता है क्या? हो जाता है जैसे कि सर ये प्राइस का प्राइस हम लोग 1,000 रुपए ले रहे हैं, ठीक है, तो फिर दूसरा कंपैरिजन करने के लिए L2 L3 यानी 2,000 3,000 वो भी सर वो बायर कैटेगरी में वो से रिफ्लेक्ट होगा ना सर? इस कैटेगरी में देखने का जो हाईएस्ट प्राइस है उसके नीचे का दो प्रोडक्ट छोड़ दो, उस प्रोडक्ट पे आपका प्रोडक्ट L1 हो जाएगा। यहाँ पे जाओ, इस कैटेगरी में जाओ और यहाँ पे हाई टू लो का फिल्टर मारने का। जी सर वही चीज वो बोल रहे हैं, लोगों का फिल्टर मारने का। अभी हाई को छोड़ के हाई का दो प्रोडक्ट छोड़ दो और दो प्रोडक्ट के बाद का जो भी प्रोडक्ट है वो L1 हो जाएगा। अभी कितना है आपका प्रोडक्ट? 600 रुपया तक L1 हो जाएगा क्योंकि उसके ऊपर देखो, नहीं ये नहीं होगा क्योंकि दोनों सेम ब्रांड है, तो 600 रुपये वाला नहीं होगा, 500 576 तक आपका प्रोडक्ट L1 हो जाएगा। ओके ठीक है, ठीक है। हाँ अभिजीत सर, अभिजीत सर आपको मैं स्क्रीनशॉट भेजाऊं? हाँ इसमें कुछ क्या मैं आप क्या पूछ रहे हो अभी, क्वेश्चन पूछो क्या बताऊं मैं इसमें सर? वो उसमें L1 L2 कैसे करना फिर? L2 L3 को L1 फिल्टर के बाद आपका प्रोडक्ट ही नहीं है ना? नहीं है सर। हाँ तो फिल्टर आपको प्रोडक्ट बना के लेके आना पड़ेगा, नहीं तो आप ऑर्डर नहीं दे सकते। आपको या तो अलग अलग आईडी से अलग अलग ब्रांड का सेम स्पेसिफिकेशन में प्रोडक्ट पब्लिश करो, सेम स्पेसिफिकेशन। हाँ या फिर इसका क्वांटिटी, यदि ये क्वांटिटी ज्यादा है तो क्वांटिटी कम करो और 25,000 के अंदर लाके प्रोडक्ट को प्लेस करो, और यदि एक ही क्वांटिटी है तो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तो फिर ये सेटिंग से होगा। ये दोनों दो तीन ऑप्शन है। कैसे सर है? कैसे होगा? कैसे होगा वही हाँ। बोला है तो आपको यदि प्रॉपर वैसे करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग दो अलग 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 आईडी लो सेलर का और हाँ। सेम स्पेसिफिकेशन का, इससे ज्यादा रेट में, इससे ज्यादा रेट में प्रोडक्ट पब्लिश कर दो तो आपके कॉम्पिटिटर आ जाएंगे ना। ओके तो फिर आपका प्रोडक्ट L1 हो जाएगा सर। इसी प्रोडक्ट को क्लोन करना पड़ेगा सेम प्रोडक्ट को? नहीं नहीं अलग प्रोडक्ट नया डालना पड़ेगा, नया क्लोन करने से कैसे चलेगा? तो हमने क्या बोला है L1 करने के लिए ब्रांड अलग होना चाहिए और सेलर भी अलग होना चाहिए। ओके ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ बोलिए सर। दीपक सर बोलिए। हाँ जी सर। सर मैं ये कह रहा था, मैंने आपको एक लिंक भेजा हुआ है, मेरे को एक ऑर्डर ये मेघालय में मिल रहा है, 100 पीस देने हैं क्रॉम्पटन के, तो ये जो लिंक तो जी फैन का आएगा? हाँ जी हाँ जी, सीलिंग फैन का, वॉल फैन है। हाँ बोलिए इसमें क्या प्रॉब्लम है? इसको एक्चुअली 100 पीस भेजने वहाँ पे, तो रेट हमें रखना है इस हिसाब से कि 1,00,000 के अंदर में रहे, यानी कि 99,000 98,000 इस तरह से। तो ये इसको अगर L1 करेंगे तो कैसे करेंगे? वो प्रीमियम ब्रांड में रखना है, ये BLDC का है। क्या बोले? मतलब जो फैन रहेगा वो प्रीमियम ब्रांड का रहेगा। हाँ बराबर है ना, तो उसको कैसे L1 करेंगे? मैंने तो आपको प्रोसेस बताया है, वही प्रोसेस से करना पड़ेगा, अलग कोई प्रोसेस नहीं। अदरवाइज हमें दे दो, हम 2% लगा के आपको जो प्रोडक्ट बोलेंगे जिस रेट में बोलेंगे उस रेट में आपको करके दे दो। नहीं तो आपको यदि वैसे कोर्सेस को सीखना है मैनिपुलेशन का, तो फिर हमारे पास 50,000 रुपीज चार्ज है, 50,000 रुपया आधे घंटे का लेक्चर है। आप जो प्रोडक्ट को चाहो जिस रेट में चाहो उस प्रोडक्ट के रेट में L1 हो जाए।
अच्छा सर, और अच्छा अगर हाँ जी, जो ऑप्शन अच्छा लगे उसके हिसाब से करो, नहीं तो जो तरीका का तरीका है एकदम प्रॉपर प्रोसेस से कैसे करना है वो मैंने बता दिया, बाकी आप गेम को मैनिपुलेट करके करना चाहते हो तो ये सब ऑप्शन अवेलेबल है। ओके ओके, अच्छा सर एक चीज और पूछना है कि एक्चुअली अभी एक ऑर्डर आया था रेलवे से, तो मैंने वो एक्सेप्ट किया ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं हो रहा, यानी कि जो वेरीफाई होता है ना वेरीफाई नहीं हो पा रहा है। क्या वेरीफाई नहीं हो रहा है? ओटीपी जो आता है ना, ओटीपी वेरीफाई आता है, तो ओटीपी वाला ऑप्शन ही नहीं हो रहा इसमें। वो कभी कभी जेम में प्रॉब्लम होता है, गवर्नमेंट का वेबसाइट है सर, वो कैंसिल हो गया ऑर्डर, और जब मैं उस पर एक्चुअली जब मैं उसमें क्लिक कर रहा हूँ ना, तो वो ईसाइन नोटिफिकेशन आ रहा है। नहीं सर, उसमें ईसाइन लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही ना, उसमें ईसाइन ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। नहीं, ओटीपी भी आता है ना, दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना। हाँ वो मैंने डीएससी का तो यूज किया नहीं, मैंने कहा डायरेक्ट कर लेता हूँ, लेकिन वो प्रॉब्लम आ रही है। ओटीपी मतलब ओटीपी नहीं आ रहा है क्या, ऑप्शन से नहीं आ रहा है क्या? हाँ, ओटीपी जगह ब्लैक आ रहा है उस पर, मतलब ब्लैक कुछ पॉइंट आ रहा है उस पर क्लिक कर रहे हैं ना, तो वो ईसाइन ऑथेंटिकेशन मांग रहा है। वो ईसाइन ऑथेंटिकेशन ओटीपी का ऑप्शन है या नहीं है सब? ओटीपी का ऑप्शन नहीं है उसमें, नहीं है ऑर्डर एक्सेप्ट करते वक्त क्या? हाँ जी हाँ जी हाँ, बराबर है। फिर आपको ई मुद्रा से एक अकाउंट ओपन करवा लो, ई मुद्रा से, याद रखो ई मुद्रा से डीएससी के लिए एक अकाउंट ओपन करवा लो। अभी ये ऑप्शन सबके लिए होने वाला है, धीरे धीरे ओटीपी का ऑप्शन बंद हो रहा है, तो ई मुद्रा से ई कंपनी याद रखो, ई मुद्रा से ही करना है, दूसरी कंपनी से नहीं। अच्छा, वहाँ पे ई साइन का एक ई मुद्रा में अकाउंट बनवा लो। वो सब कैसे बनेगा? ई साइन से कर सकते हो। कैसे बनेगा सर वो? अभी या तो कोई डीलर पकड़ो, जो लोग ई मुद्रा पे काम करते हैं वो बना के देंगे, या दत्ता सर फोन करो, दत्ता सर बना के देंगे, 1500 रुपए चार्ज है 2 साल के, या फिर आप 2 साल के लिए बना दो, 2 साल के लिए 1500 रुपए। अच्छा अच्छा, मतलब वो करवाना ही पड़ेगा, लेकिन करवाना ही पड़ेगा, और उसमें प्रॉपर प्रोसेस के साथ करना पड़ेगा। ओके ओके, तो सर उसमें कितना टाइम लगेगा सर? आपकी कंपनी कैसे, इंडिविजुअल है या कंपनी है? कंपनी है सर, मतलब प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ, तो फिर कम से कम 4 से 5 घंटा, 4 घंटा कवर में चलो, 4 घंटा लग जाएगा। अच्छा, तो सर दत्रा सर का से मैं बात कर लूंगा फिर उसके हिसाब से। सर वो तो होगा ही ना, फिर आईटी रिटर्न फाइलिंग के लिए चाहिए होता है। क्या बोले? हाँ, अलग कंपनी का बनाया है तो नहीं चलेगा, यहाँ ये मुद्रा ही चलता है जी, इसलिए बोला ये मुद्रा का है पहले से, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, नहीं है तो बनाना पड़ेगा। नहीं सर, अगर जैसे ई मुद्रा का डिजिटल सिग्नेचर है तो चल जाएगा क्या? हाँ फिर चल जाएगा ना, फिर उसका जो आपको एक मेल आया होगा, देखो आपके मेल में चेक करो, EKYC बोल के एक मेल आया होगा, उसमें आईडी और पिन रहेगा, नहीं तो जिससे बनवाया था उससे खाली पिन मांग लो, EKYC आईडी आपको मेल पे आया हुआ रहेगा। यदि आपने ई मुद्रा से बनाया हुआ है तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, अलग कंपनी का बनाया है तो जरूरत। ओके, मतलब डीएससी बनाना है तो वो डीएससी लगा कर डीएससी से हो जाएगा, या ओटीपी उसी से आ जाएगा? से नहीं होगा डीएससी, यदि बनाया डीएससी से नहीं होगा, डीएससी का प्रॉब्लम चालू है, EKYC का एक अकाउंट बनता है जब डीएससी बनाते हो, तो उससे करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे ई मुद्रा का डीएससी बनवाया था तो जहाँ से बनवाया था उनसे बात करूँ तो वो मेरे को एक भेज देंगे? उनसे बात करो, हाँ बोलो, उनको बोलो क्या मुझे EKYC का आईडी और पिन दे दो। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, वही चीज मांग रहा सर, आईडी यूजर साइनर आईडी मांग रहा, राइट राइट राइट। हाँ जी, उनसे आपको मेल में भी आया होगा, यदि आपने ई मुद्रा से लिया है तो अलग नया बनो, उनसे फिर से उनको बोलो जिससे पहले बनाया था उनको ही बोलो जो मुझे ई मुद्रा का बना के दे दो, ई मुद्रा। ठीक 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 सर, ठीक, ओके सर, ओके, थैंक यू। बोलिए नेक्स्ट, और चलिए नेक्स्ट, जो क्लास होगा उसको मैं अनाउंसमेंट करवा देता हूँ, कभी डाउट का क्लास रहेगा। हाँ बोलिए सर, जो आपने बताया था कि अगर उनके पास फंड नहीं है तो वो ना ले, तो सर उसमें तो पहले बिल भेजने पड़ते हैं, देन पेमेंट आती है उनकी, वो तो सर आप और बायर देख लो, मेरा पास जो बायर है वो उसके साथ ऐसा चलता है, अभी आपका बायर के साथ कैसा टर्म्स है ये मैं नहीं बोल सकता, हमारे यहाँ पे पहले फंड आता है और फिर बाद में उसका जनरेट काम होता है, तो आप बिल दे दो और फिर उसका फंड का वेट करो, जब फंड आएगा तो पैसा मिल जाएगा। ठीक है सर, बायर एड द कार्ट करता है तो वो सर जो कितने टाइम तक वो चलता है? अच्छा, वो टाइम पे प्राइस चेंज, डिमांड में रहने के बाद 7 दिन
अच्छा उसने किसकी जब प्राइस वापस रिवाइज किया तो सर एड्डा कार्ड चेंज हो जाएगा डिमांड में एक बार आ गया तो 7 दिन तक ऑर्डर दे सकते हैं ओके फाइन सर थैंक यू